इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली, अध्यक्ष चक्रेश जैन, मैनेजर पुनीत जैन। Yeah.
नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः, ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पाशतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुए सिद्धाय बुद्धाय परमात्मय परम सुखाय तरलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तरलोकवंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धनेन फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्सर्ग विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अभयम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निम सशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्विघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमातृचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारेम सर्वगजमारेम सर्वश्मारेम सर्वगोमारेम सर्वमहिष्मारेम सर्वधान्यमारेम सर्ववृक्षमारेम सर्वगुल्मारेम सर्वपत्रमारेम सर्वपुष्मारेम सर्वफलमारेम सर्वराष्ट्रमारेम सर्वदेशमारेम सर्वेश्मारेम सर्वेताल शाकनीभयम सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मटम पतन द्रोणमुख सैवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुखानंद दद पचपच कुटकुट शीघ्र शीघ्र यस्सुखम त्रिषु लोकेशु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमोरग्यम स्वस्तिरस्तु विद्यते श्रीमस्तु। कुलगोत्रधन धान्यम पदम प्रभु चंद्रप्रभु वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्धन शीतल मुनिसुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ देभ्यो नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रशिक्षणा शेष दोष कंठराय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप नाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परकर्ष उपद्रव विनाशनाय सर्व श्याम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम रम असी औसा अरम नमः। सर्व शांति कुरु कुरु वषट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतेन्द्र सामान्य तपोदधान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं। का सादा आमंत्रण है और देखिए दो सदस्य हमारे सामने आई हैं शशि जी धर्मपत्नी श्री श्रवण कुमार जी जैन सराफ और हमारी भाभी जी नाम में उनका नहीं लूंगा और वो हमारी बिरमो देवी जी की और प्रभु दयाल जी की पुत्र वधु हैं देवभूषण महाराज के अनन्य भक्त इनका बहुत तो आज इनको ये मौका मिल रहा है चित्रावरण करने का। और पुनीत जी हमारे महामंत्री विजेंद्र जैन जी के सुपुत्र हैं और मैनेजर उदासीन भवन है। तीन हमारे पुरुष हैं दो महिला पाँच होगा पंच परमेश्वरी बोलो महावीर भगवान की जय। पुनीत जी साथ में खड़े हुए हैं दो पुनीत हो गए मेरा काम हल हो गया एक ही पुनीत का नाम लिया दोनों का हो गया। और अब हम चलते हैं बोले परम पूजनी भाव लेंगे पापों का निर्मल जल है विनय भाव का है चंदन गुरु वंदन ही अक्षत है ये भक्ति सुमन का अभिनंदन मन बचतन से आत्म समर्पण मोह क्षोभ का शमन करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। ओम रूम परम पूज्य नियम सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। मन भाव सजा करिए गुरु चरणों में आए गुरु रत्न त्रय धारी हम रत्न त्रय चाहे
आओ त्रिष्टो गुरुवर मेरे हृदय आसन पर, कर दो हमको पावन अपने द्वय पग धर कर। दिखलाओ हे गुरुवर हम मुक्ति की राहे, गुरु रत्न त्रयधारी हम रत्न त्रय चाहे। ओम ह्रूं परम पूजनी भावलिंगी सन श्रमणाचार्य जिना मुनिंद्रो अत्रे अवतर अवतर संवोसर द्याहवान नम। ओम ह्रूं परम पूजनी भावलिंगी सन श्रमणाचार्य एक सुवाद आचार्य भगवान श्री विमर्श सागर जी महामुनिंदो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो था था स्थापनम। ओम ह्रूं परम पूजनी भावलिंगी सन श्रमणाचार्य जिनागम पंत प्रवर्तक परम पूजनी मुनिवर्षि विश्व विमर्श सागर महामुनिंदो अत्र मम सन्निहितो भव अवसर सन्निधि करणम। भावों लाए गुरु जैसी निर्मलता, पाने मन ललचाए मिथ्यात्व संयम का अंधियार घना छाया, अविनाशी चेतन का नहीं रूप नजर आया। मेटोए जन्म मरण शुभ भाव सजा लाए, गुरु रत्न त्रयधारी हम रत्न त्रय चाहे। ओम ह्रूं जिनागम पंथ प्रवर्तक परम पूजनी भावलिंगी संत श्रमणाचार्य 108 श्री विमर्श सागर महामुनिंद्रो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम न पावते का खात कराया है। अर्पित गुरु अर चरणो ये मल अग्नि चंदन, मैं तू गुरु अर मेरा ये भव भव का क्रंदन। जिसमें भव ताप न हो वो मैं भव मिल जाए, गुरु रत्न त्रयधारी हम रत्न त्रय चाहे। ओम ह्रूं ओम ह्रूं परम पूजनी भावलिंगी संत श्रमणाचार्य जिनागम पंथ प्रवर्तक परम पूजनी 108 मैं श्री विमर्श सागर महामुनिंदो संसार का विनाशनाय चंदनम रूपावती। अब फोटोग्राफर को सुविधा रहेगी, आपका फोटो भी आ सकेगा। अच्छा दरवाजा खुलवा दीजिए। हेलो हेलो। ज्ञान की ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, की गंगा बहाते चलो। और आइए एक और आज है अंतिम। देखिए कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं आप अपनी प्रबंध का खड़ा हूँ, मुनि जी रोज पूजा में ध्यान करने वाले हैं और मेरे भाई पीछे आगंतुक हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ, उन सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ महाराज श्री के चरणों के अंदर नारियल भेंट करें चढ़ाएं और अपनी मनोभावना शुद्ध करें। आखिरी में मैं भी एक नारियल चढ़ाऊँ। बदल जाने वाले हैं ये बरसे तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं ये बरसे तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं। और ऐसे आध्यात्मिक प्रवचनों को देने वाले, ऐसे आचार्य कुंद कुंद की बात हम तक पहुंचाने वाले हमारे जो मुनिश्री हैं उनके चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए एक जोरदार भक्ति लेंगे।
हमारे आंगन में आयो मुनिराज हमारो मन नाचे रे हमारे आंगन में आयो मुनिराज हमारो मन नाचे रे अरे नाचे रे भैया नाचे रे भैया नाचे रे हमारे आंगन में हमारे आंगन में आयो मुनिराज हमारो मन नाचे रे हमारे आंगन में आयो मुनिराज हमारो मन नाचे रे बड़ा पुण्य अवसर यह आया बड़ा पुण्य अवसर यह आया दशलक्षण का पर्व मनाया दशलक्षण का पर्व मनाया हम भी अरे हम भी बनेंगे भगवान चलो जिन मंदिर में हम भी बनेंगे भगवान चलो जिन मंदिर में जिनी उड़े रे गुलाल के चलो जिन मंदिर में जिनी जिनी उड़े रे गुलाल चलो जिन मंदिर में चलो जिन मंदिर में चलो निज मंदिर में चलो जिन मंदिर में चलो निज मंदिर में हो रही जय जयकार चलो जिन मंदिर में हो रही जय जयकार चलो जिन मंदिर में भयो भारी आनंद भयो रे माजिन वाणी गायक बताए दियो रे माजिन वाणी गायक बताए दियो रे आनंद भयो भारी आनंद भयो रे आनंद भयो भारी आनंद भयो रे
प्रशांत मति गंभीरम विश्व विद्याकुल ग्रवम भवैकम शरणम जिया श्रीमद् सर्वज्ञ साशिनम श्रीमद् सर्वज्ञ साशिनम शांतम सुनिर्मल परम तपशील योक्तम संसारितारणी तु भविराग मुक्तम निश्चय स्वभावरत संत सुदेव वंद्यम यतिवर विमर्श गुरुवर्यो नमोस्तु तोभ्यम यतिवर विमर्श गुरुवर्य नमोस्तु तोभ्यम यतिवर विमर्श गुरुवर्य नमोस्तु तोभ्यम बोलिए देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की परम पूजनीय सूरी गच्छाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक आदर्श महाकवि भावलिंगी संश्रमणाचार्य गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय द्वादशांग जिनवाणी माता की जय बोले परम पूजनीय विचित्र सागर जी महामुनिराज की पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में यहीं से सभी ने अपने नमोस्तु भाव प्रेषित करता हुआ उनसे अपने साधना काल में जो कुछ सीख सका हूँ उससे कुछ आप लोगों को तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ क्षमा हृदय में आती है सबको गले लगाती है क्षमा हृदय में आती है सबको गले लगाती है अपना कौन पराया कौन सारे भेद मिटाती है अपना कौन पराया कौन सारे भेद मिटाती है मैत्री सच्ची हो मैत्री सच्ची उत्तम क्षमा कहे जीवन है पानी की मोल कब मिट जाए रे जीवन है पानी की मोल कब मिट जाए रे होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की मोल कब मिट जाए रे जीवन है पानी की मोल कब मिट जाए रे जीवन है पानी की मोल कब मिट जाए जय दि जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ विगत 10 दिनों में हम 10 लक्षण महापर्व के माध्यम से 10 धर्मों के माध्यम से निज आत्म स्वरूप से रिश्ता जोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे कौन कितने अर्थों में इन 10 धर्मों को समझ सका है कौन कितने अर्थों में
इन 10 धर्मों को सच्चे मायनों में जीवन में उतार सका है, आज उसके प्रैक्टिकल का दिन है। विगत 10 दिनों में हमने खूब सुना है, क्षमा का क्या स्वरूप होता है, मार्दव का क्या स्वरूप होता है, आर्जव का क्या स्वरूप होता है। सभी 10-10 धर्मों के ऊपर घंटों घंटों के व्याख्यान सुने हैं, वो सब थ्योरी थी। हाँ, 10 दिनों में हमने 10 धर्मों के ऊपर जितनी भी व्याख्याएं सुनी हैं, वो सारी की सारी व्याख्याएं एकमात्र थ्योरी थी। आज उस थ्योरी के प्रैक्टिकल का दिन है। हाँ, आज इस प्रैक्टिकल में वही पास हो सकेगा जिसने 10 धर्मों के 10 दिनों में 10 धर्मों की समीचीन रीति से पढ़ाई की होगी, समीचीन रीति से उन 10 धर्मों को समझा होगा, समीचीन रीति से उन 10 धर्मों को अपने जीवन में स्थान दिया होगा। ऐसे वर्ष भर कोई स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है तो जो वर्ष भर अच्छी मेहनत करता है, मन लगा के पढ़ता है, उपयोग लगा के अध्ययन करता है, जब परीक्षा का समय आता है तो निश्चित रूप से खुश होता है, प्रसन्न होता है, प्रसन्न चित्त होता है और उसका परिणाम भी निश्चित रूप से सफलता के रूप में ही उसे प्राप्त होता है। ऐसे ही 10 दिनों में हमने 10 धर्मों का कितने अर्थों में अध्ययन कर सका है, कितने अर्थों में 10 धर्मों को हमने समझ सका है, आज उनके ही प्रैक्टिकल का दिन है। यहां चीटिंग भी नहीं चलने वाली, चीटिंग क्योंकि परीक्षा हॉल में चीटिंग करने वाला कोई दूसरा होता है, हाँ, और चीटिंग को देखने वाला कोई दूसरा होता है, लेकिन यहां पर चीटिंग करने वाला व्यक्ति भी खुद है और खुद के साथ ही चीटिंग कर रहा होता है। इन 10 दिनों में अभी आप लोग यहां क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। 10 दिनों में इतने सारे लोग नहीं थे जितने आज हैं, यानी यह बात इस चीज को निश्चित कर रही है कि सुनने से ज्यादा प्रैक्टिकल करने वाले लोग होते हैं, हाँ, अध्ययन से ज्यादा उस अध्ययन पर काम करने वाले लोग होते हैं। आज इसी की परीक्षा का दिन है। निश्चित रूप से जब आप अभी क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए उद्यत होंगे, एक दूसरे से क्षमावाणी पर्व मनाएंगे, एक दूसरे से अपने हृदय की गलतियों के लिए वास्तविक अर्थों में हार्दिक रूप से क्षमा याचना कर रहे होंगे, तब अपने आप का निरीक्षण करने की आवश्यकता है, तब अपने आप के ऊपर शोध करने की जरूरत है, अपने एक एक मिनट के परिणामों को देखने की आवश्यकता है कि हमारे परिणामों का परिणमन इस वक्त कैसा चल रहा है। एक पंक्ति, मतलब एक दुआ होगा, उसकी एक पंक्ति मुझे याद है कि अंधा बाटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, आप लोगों ने भी सुनी होगी। हाँ, जब कोई अंधा व्यक्ति किसी भी वस्तु को ले ले और वो अगर बांटने के लिए सामूहिक रूप से तैयार हो तो किन किन लोगों को पहचान पहचान के देता है, हाँ, किसी को नहीं पहचानता, क्योंकि लोगों के अंदर जो भेद की दृष्टि, भेद डालने वाली दृष्टि है वो उसके पास नहीं है। हाँ, जिन चेहरों को देखने के बाद व्यक्तियों में भेद डाला जाता है, जिन चेहरों को देखने के बाद अपने और पराए का भेद किया जाता है, वो चेहरे देखने के लिए उसके पास दृष्टि ही नहीं है, नजर ही नहीं है, भेद करेगा कैसे। ऐसे ही ध्यान रखना, जो धर्मात्मा जीव हुआ करते हैं, जो सच्चे सम्यक दृष्टि जीव हुआ करते हैं, उनके अंतरंग से भेद की लकीरें मिट चुकी होती हैं। भेद तब तक ही दिखाई देता है जब तक स्वरूप पर दृष्टि नहीं होती है। जब स्वरूप से दृष्टि हट जाती है, जब स्वरूप दृष्टि से ओझल हो जाया करता है, तब इन पर्यायों का भेद दृष्टि में आता है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन मनुष्य है, कौन त्रियंश है, कौन देव है, कुछ नहीं नजर आता। शुद्ध चैतन्य देव
उसे हरेक पर्याय के भीतर बैठा हुआ, हरेक पर्याय में वही अनुसूत रूप से दिखाई देता है। इसलिए दृष्टि में भेद नहीं होता। कभी कुंद कुंद देव से पूछो, जब उस समय सार जी का मंगलाचरण करते हैं तो कहते हैं कि बंधु तू शब्द सिद्ध है। ओह कैसी पवित्र और निर्मल दृष्टि है, बंधु तू शब्द सिद्ध है, मैं सभी सिद्धों की वंदना करता हूं। भाई सभी सिद्धों में कौन कौन से जीव छूट चुके हैं, हाँ उसकी बात करना है। त्रिकालवर्ती सिद्धों की वंदना कर रहे हैं, जो भूत में सिद्ध हो चुके हैं उनकी वंदना करना तो समझ में आती है कि उनने अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त किया है, इसलिए उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनकी वंदना कर रहा हूं। जो चलो वर्तमान में सिद्धत्व प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहे हैं उनकी भी वंदना करने अगर वो करें तो भी बात समझ में आती है। लेकिन अभी जो जीव हाँ नरकों में पड़े हुए हैं, अभी जो जीव निरोध अवस्था में पड़े हुए हैं, अभी जो जीव एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, उन जीवों की भी मैं वंदना करता हूं। कौन कर सकता है, हाँ कौन कर सकता है ये वंदना? वही कर सकता है जिसे प्राणी मात्र में वही सिद्धों की सत्ता दिखाई दे रही हो, हाँ जिसे हरेक जीव में वही सिद्ध स्वरूप नजर आ रहा होगा, वो किसके साथ राग द्वेष करेगा? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आपके सामने अगर 2400 तीर्थंकर एक साथ आके खड़े हो जाएं तो आप उनमें से छोटे बड़े हाँ मोटे ताजे हाँ इनका भेद कर सकोगे क्या? उनमें किसी में राग किसी में द्वेष कर सकोगे क्या? किसी के प्रति अपनत्व का भाव और किसी के प्रति परायेपन का भाव कर सकोगे क्या? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दृष्टि में वो सभी के सभी तीर्थंकर भगवान एक स्वरूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ही निर्मल दृष्टि सम्यक दृष्टि जीवों की हुआ करती है। निर्ग्रंथ मुनि तो बहुत ऊंची वाली बात होती है। जो चतुर्थ गुण स्थान पर थी जीव भी होते हैं उनके अंदर भी ऐसी ही निर्मलता आ जाया करती है, लेकिन चारित्र में अभी स्थिरता न होने के कारण राग द्वेष कर बैठता है। लेकिन राग द्वेष करने के बाद भी सतत अपने किए हुए अपराधों की अपनी की हुई गलतियों की सतत क्षमा याचना भी करता रहता है, अपने आप में पश्चाताप को भी प्राप्त होता रहता है। सिर्फ सिर्फ गलती ही नहीं करता अपितु गलती के प्रायश्चित के लिए भी प्रतिपल सचेत रहता है। कब हमारे भावों का स्खलन हुआ है, कब पानी का स्खलन हुआ है, कब काय की चेष्टाएं स्खलित हुई हैं, प्रत्येक समय की अपनी क्रियाओं पर उसका चिंतन होता है, सोच होता है, दृष्टि हुआ करती है। निर्ग्रंथ मुनि जब सुबह उठते हैं तो रात्रि में जिन जिन जीवों के प्रति मेरे मन वचन काय से जो जो भी अपराध बन पड़े हों उन सब के लिए सुबह उठ के ही प्रतिक्रमण करते हैं। खम्मामी सब जीवाणम सबे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सब भूदेशु मैरम छम रकेणवी। कहते हैं खम्मा में सब जीवाणु मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं। कैसी निर्मलता है, मुनिराजों के मन निर्मल जल को भी मुनिराजों के मन की उपमा दी जाती है। कभी पूजन के बंतियां पढ़ना, मुनि मन सम निर्मल नीर प्रास के गंध भरा। हाँ मुनिराजों यानी निर्मल जल को भी किसकी उपमा दी जा रही है, मुनिराजों के मन की उपमा दी जा रही है। कितनी निर्मल आत्म परिणतियां होती होगी सोचो। हाँ कह रहे खम्मा में सब जीवाणु मैं त्रिलोकवर्ती समस्त जीवों के लिए क्षमा करता हूं। फिर कहते हैं कि अब सभी जीव मुझे क्षमा कर, खम्मा में सब जीवाणु सबे जीवा खमन तुम्हें। ऐसा नहीं कि पहले वो तो मुझे क्षमा करे उसके बाद फिर मैं क्षमा करूंगा। मुनि जी हाँ
पहले सामने वाला तो मुझे क्षमा करे, उसके बाद फिर मैं उसी क्षमा करने के विषय में सोचूंगा। ऐसी दृष्टि नहीं। खम्मा में सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु भैरम अच्छमण के भी। सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, किसी भी जीव के प्रति मेरे अंदर बैर नहीं है। क्या कोई बात लेके आए हैं? अच्छा, हमने सोचा कुछ पूछने के लिए आए हैं। क्षमा हृदय को आकाश की तरह विशाल बना दिया करती है। क्षमा हृदय को आकाश की तरह विस्तृत और विशाल बना दिया करती है। जैसे आकाश सभी द्रव्यों के लिए बड़ी सहजता से और सरलता से स्थान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव का हृदय इतना विशाल हो जाता है कि सारे के सारे जीव अपनी ही तरह उसे भगवत स्वरूप में नजर आने लग जाते हैं। तब उन जीवों के प्रति अंतरंग से मैत्री का भाव जागृत होता है। जब तक दृष्टि सम्यक नहीं होती तब तक मैत्री का भाव नहीं आ सकता। सम्यक दर्शन की बात करना बहुत अलग विषय है, और सम्यक दर्शन का अंतरंग परिणतियों में अनुभव होना यह बहुत अलग विषय है। अपने अपने परिणामों को सब जीव जानते हैं, अपने अपने भावों के परिणमन से हर जीव परिचित होता है। सब जानते हैं कि मैं कब किस जीव के साथ कैसे कैसे भाव करता रहता हूं। अपने अपने उन भावों का एक बार निरीक्षण करना सीख लीजिए, निश्चित रूप से आपके अंदर जो बैठा हुआ भगवान आत्मा है वो आपको जब भी आप स्खलित होंगे वहां वहां जाके आपको संभालेगा। निर्ग्रंथ मुनि रोज प्रतिक्रमण करते हैं, कहते हैं तस्मिच्छा में दुक्कड़म। हाँ, मेरा जो भी दुष्कृत्य हुआ है वो सम्मिच्छा को प्राप्त हो। एक बार एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते से गुजरते हुए एक कुम्हार की दुकान वहां लगी हुई थी, पास में ही जाके बैठ गया। उसको सुन के आया था एक मुनिराज का प्रतिक्रमण, बार बार बोले जा रहे थे तस्मिच्छा में दुक्कड़म तस्मिच्छा में दुक्कड़म। उसी गया तस्मिच्छा में दुक्कड़म। हाँ, इसका अर्थ होता है कि मेरा दुष्कृत मेरा पाप मिथ्या हो। घड़ों के पास बैठ गया, एक पत्थर उठाया और एक घड़े में मार दिया, घड़ा फूट गया, कहने लगा तस्मिच्छा में दुक्कड़म। दूसरा कंकड़ उठाया, दूसरे घड़े में मार दिया, फिर बोला तस्मिच्छा में दुक्कड़म। देखते देखते उसके बहुत सारे घड़े फोड़ दिए। कुमार बहुत देर से देख रहा था कि ये व्यक्ति क्या पागल है, मेरे घड़े फोड़ता चला जा रहा है। जाके उससे पूछा, भाई मेरे घड़े क्यों फोड़ रहे हो? बोले, मैं कह तो रहा हूं तस्मिच्छा में दुक्कड़म। बोले, इसका क्या अर्थ होता है? बोले, इसका अर्थ होता है मेरे द्वारा जो भी पाप हुआ है वो मेरा पाप मिथ्या को प्राप्त हो। कुमार ने कहा, अच्छा, इसका ये अर्थ होता है, चलो अच्छी बात है। कुमार अपने घर में गया, एक बड़ा सा डंडा उठा के लाया और उस व्यक्ति की सर में जोर से चोट मारी। बोले, तस्मिच्छा में दुक्कड़म। कहीं ऐसी क्षमा हमारी तो नहीं है? हाँ, कहीं ऐसी सात्विक क्षमा हमारी तो नहीं है कि अंतरंग का आत्मा का एक भी प्रदेश उससे स्नपित ना हो पाता हो और हमारे शब्दों से हम तस्मिच्छा में दुक्कड़म रटते रहते हो। हाँ, बरसात होती है तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो जब घर से निकलते हैं तो अंदर ऊपर एक छाता लगा लेते हैं। हाँ मुनि जी, लगा लेते ना, एक छाता लगा के निकलते हैं। क्यों? ताकि हम भीग ना जाएं। छोटे छोटे बच्चों को देखा कभी?
हाँ, छोटे छोटे जो बच्चे हुआ करते हैं वो जब बरसात होती है तो अपने बदन के सारे कपड़े भी उतार के फेंक देते हैं और बारिश में नहाने के लिए पहुंच जाया करते हैं, भीगने के लिए पहुंच जाया करते हैं। ध्यान रखना, जब धर्म की बरसात हो, जब निर्ग्रंथ गुरुओं के मुख से जिन वाणी का अमृत बरसे, तब कहीं छाते लगा के मत बैठ जाना, तब अपनी कसाईयों के छाते खोल कर बैठना, अलग करके बैठना, तब जाके ये जिनवाणी आपको स्नपित कर पाएगी। नहीं तो बरसों हो गए, आजकल से नहीं, बरसों व्यतीत हो गए क्षमावाणी मनाते मनाते, लेकिन भाई का भाई से बैर नहीं मिट पाता है, कैसी क्षमावाणी है? हाँ, एक भाई दूसरे भाई से बोलता नहीं है और हर बार क्षमावाणी पर बढ़िया धुले धुलाए तीनों पोल लगे हुए वस्त्र पहनकर सब इकट्ठे होते हैं, सब एक दूसरे से कहते हैं भाई साहब क्षमा करना, लेकिन उन्हीं से जिनसे हमारी बनती है और किसी से नहीं, जिनसे हमारी रोग जैनेन्द्र होती है, जिनसे हमारी अच्छी खासी बात बनती है, जो हमारी बात मानता है, जो हमारा सम्मान करता है, जिससे हमारे रिश्ते में मिठास है, उन्हीं के पास जब क्षमावाणी के लिए उठोगे तो सबसे पहले कदम उन्हीं की तरफ बढ़ेंगे। भाई साहब दस मिथ्या में दुखड़ा, अरे उनसे तो तुम्हारी पहले से ही बन रही है, उनके प्रति तो तुम्हारे अंदर कटुता का भाव है नहीं, फिर उनसे क्षमा मांगने का क्या प्रयोजन है? क्षमा तो उससे मांगना आज सच्चे हृदय से, जिनसे कभी बैर विरोध हो गया हो, जिनसे कभी अपशब्द बोल दिए गए हो, जिनसे कभी गाय के माध्यम से कोई अनुचित चेष्टा हो गई हो, आज सबसे पहले उनसे क्षमा मांगना। चीन चीन के मत मांगना, मैंने कहा ना अंधा बांटे रेवड़ी, चीन चीन के दे, समझ लेना अगर अंधा होगा तो चीन चीन के पहचान पहचान के नहीं बांटेगा रेवड़ी, आंख वाला होगा तो वो चेहरे देख देख के बांटेगा कि मेरा रिश्तेदार कौन है, पहले उसको बांट दूं, जब बच्चा रहेगा तब दूसरे की सोचेंगे। हाँ, ध्यान रखना, चेहरे मत देखना क्षमा मांगने के लिए, बड़े छोटे का भेद मत देखना क्षमा मांगने के लिए, छोटे बड़ों के चरणों की ओर जाना, उनके दोनों चरण स्पर्श करना और कहना कि जो भी हो पिताजी चाचा जी ताऊ जी भगवान, मुझसे ये गलती हो पड़ी होगी वर्ष भर में, न जाने कितनी बार हमने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया होगा, न जाने बार कितनी बार हमने कुल की प्रतिष्ठाओं को धूमिल किया होगा, अगर ऐसा कोई अपराध मुझसे बन पड़ा हो तो आज मुझे क्षमा करना, मैं सच्चे हृदय से आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी हूं। जब छोटे बड़ों के चरण छूने के लिए पहुंच जाए तो बड़ों का भी कर्तव्य बनता है कि उठा के अपने सीने से लगा लेना, ऐसा बात सल होने देना कि वो फिर अगली बार पुनः क्षमा मांगने के लिए तत्पर हो सके। जब बड़े कभी छोटों के चरण छूने के लिए पहुंच जाए तो चरणों तक मत पहुंचने देना, बीच में ही उठा के उनके चरण स्वयं छू लेना, तब जाके अंतरंग निर्मल होगा, पवित्र होगा, पावन होगा। चेहरे देख देख के आज से नहीं, जब से पैदा हुए हैं तब से सिर्फ चेहरे देख देख के क्षमा मांगी है, आज एक नया प्रयोग करके देना, देखना आज चेहरे मत देखना, आज चरणों को देख के क्षमा मांगना। जब चरणों को देख के क्षमा मांगोगे तो चेहरे नजर नहीं आएंगे, जब चेहरे नजर नहीं आएंगे तो भेद भी दिखाई नहीं देगा कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किस किस से मांगनी है और किससे नहीं मांगनी, भेद फिर नजर नहीं आएंगे। समय हो चुका है, सिर्फ आज इतनी सी बात ध्यान में रखने जैसी है कि क्षमा जब मांगो तो अंतरंग आत्मा आंदोलित होनी चाहिए, आत्मा का एक एक प्रदेश इस बंधन को प्राप्त होना चाहिए। अंतरंग जब यहां से निकलो भगवान पार्श्वनाथ के दरबार से तो मन इतना हल्का हो जाए, इतना हल्का हो जाए जैसे भगवान पार्श्वनाथ का हुआ था। ये मत सोचना कि वो तो मुझे क्षमा करता ही नहीं है, मैं क्यों उससे क्षमा मांगू, नहीं,
अगर ऐसा ही पार्श्वनाथ सोचते रहते तो कभी वो पार्श्वनाथ ना बन पाते। दस वक्त तक उन्होंने क्षमा की यात्रा की है, सिर्फ एक तरफा, दूसरी तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं था, दूसरी तरफ से तो बैर ही बैर था। भगवान पार्श्वनाथ हर भाव में क्षमा करते रहे, परिणाम क्या निकला? हाँ, परिणाम क्या निकला? भगवान पार्श्वनाथ उस आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो गए, अपने क्षमा धर्म को उपलब्ध हो गए। दस धर्मों में हमने जो कुछ सुना है, जो कुछ समझा है, जो कुछ पाया है, आज उस सब का ये मान लीजिए कि आज परीक्षा देने का ये समय शुरू हो रहा है। अब अगर आप जिनसे आपकी कटुता है, जिनसे आपका द्वेष है, जिनसे आपका बैर है, अगर आज आप उनके चरण छूकर उनसे क्षमा याचना कर पाएंगे तो समझना इन दस धर्मों की यात्रा आपकी सफल हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो समझना आज की परीक्षा में आप फेल हो जाएंगे। फेल होना किसी को पसंद नहीं है, सब पास होना चाहते हैं। निश्चित रूप से दिल्ली के लोग बहुत समझ, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और कोई भी यहाँ फेल नहीं होना चाहेगा। हाँ, कर्म आपको फेल करने के लिए आएंगे। जब आप क्षमा मांगने के लिए जा रहे होंगे तो आपका अभिमान अंदर से आपको टोकेगा, कहाँ जा रहा है, हाँ किसके पास झुकने जा रहा है, तू क्या कोई छोटा मोटा आदमी है? कौन बोलेगा? ये भीतर बैठी हुई कसाई बोलेगी, अहंकार मान बोलेगा, क्रोध बोलेगा। लेकिन जिसके पास आत्म स्वभाव का बल होगा, जिसने दस धर्मों में उपदेशों को सुनकर दस धर्मों के माध्यम से अपने आत्मा को वरिष्ठ बनाया होगा, अपने आत्मबल को बनाया होगा, वो कसाईयों को ठोकर मारता हुआ और जाके उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा, जिनसे हमारा बैर था। कसाएं उसके चरणों में झुक जाएंगी। आज एक आत्मबली हमारे बल के ऊपर भी भारी पड़ा है। सच मानिए, आपकी क्षमा वाणी सार्थक होगी। अभी और सिर्फ क्षमा वाणी के कार्यक्रम है, हाँ आज की क्षमा वाणी सार्थक हो सकेगी मेरी भावनाओं के साथ। अपनी वाणी को इसी विराम दूंगा, क्योंकि अभी कार्यक्रम और भी आगे चलना है, बहुत लंबा। आप सब लोगों से अपेक्षाएं करता हूं कि इन दस दिनों में आप लोगों ने अगर निर्ग्रंथ गुरुओं के मुख से दस धर्मों का श्रवण किया है तो आज उसकी सच्चे अर्थों में परीक्षा देना और फर्स्ट डिवीजन से पास होके दिखाना। निश्चित रूप से मैं समझूंगा कि हमारा उपदेश देना सार्थक हो गया है, दिल्ली आना सार्थक हो गया है। इन्हीं भावनाओं के साथ, क्षमा हृदय में आती है सबको गले लगाती है। किन किन को? सबको, पहचान पहचान के नहीं, हाँ सबको, जो मिलेगा सबको गले लगाएगी। तब जब क्षमा हृदय में आएगी, तब क्षमा हृदय में आती है सबको गले लगाती है, अपना कौन पराया कौन सारे भेद मिटाती है। सच्ची हो मैत्री ही सच्ची, उत्तम क्षमा कहे रे, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। बोलिए परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक आदर्श महाकवि भावलिंगी संत श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय। क्षमा वाणी महापर्व की जय। बोले परम पूजनीय छत्तीसगढ़ के समाज रत्न ऋषभ कुमार शास्त्री जी विराजमान हैं, जिन्होंने 10 दिन तक हमारे को यहाँ पे खूब धर्म ध्यान कराया, पूजा पाठ कराई, विधान कराया। मेरी उनसे प्रार्थना है कि पहले हम उनका सम्मान करेंगे,
पंचायत की तरफ से और आप सबकी तरफ से जो यहाँ के पुजारी दर्शनार्थी हैं, पुनीत बाबू से प्रार्थना कर रहा हूँ कि पंडित जी का सम्मान करें। हमारे कोषाध्यक्ष श्री शेखर, हमारे जीनन कुमार जी तिलक कर रहे हैं पंडित जी को और पटका पहना के कर रहे हैं। हमारे एक कुबेर जी शेखर जी पगड़ी पहना के सर सम्मान, जो कि जिंदगी की सबसे बड़ी इज्जत होती है, आप सम्मान, जिसकी पगड़ी की इज्जत है उसकी सारी इज्जत है। कुबेर के पास ही धन होता है, कुबेर नहीं उनको देखिए, मोतियों की माला भी बना दी, अपना कुबेर का खजाना उड़ेल दिया। तिलक कर दिया, हमारे कुबेर जी ने उनको पटका बना के उनका स्वागत करा है और माल्यार्पण कुबेर जी कर रहे हैं। और किसी का हमारे मध्य के अंदर हमारे विधानाचार्य जी के साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अंजनी जी भी आई हुई हैं। मैं अंजनी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने जिस तरीके से यहां पे निशुल्क सेवा आयुर्वेदिक की प्राकृतिक दी। अच्छा, नाम बताओ। मनोज कुमार जी तिलका करके, हमारे अरविंद जी महामंत्री जैन समाज और जिनके माध्यम से चक्रेश जी प्रधान जी के माध्यम से महावीर जयंती की शोभा यात्रा निकलती है, उन्होंने उनका सम्मान करा। आज का सारा कार्यक्रम प्राचीन श्री अग्रवाल जैन समाज धर्मपुरा दिल्ली की ओर से है, चाहे वो वृत्तियों का सम्मान हो चाहे वात्सल्य भोज हो। अनुपम शास्त्री जी, अनेकान शास्त्री जी हमारे मध्य में विराजमान है, उनका तिलक हमारे पुनीत जी, पुनीत दोनों पुनीत करेंगे, दोनों पुनीत हैं, मैनेजर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी और पुनीत जी उदासीन जैन बाल आश्रम। देखिए भगवान के पुनीत चरणामबुज के अंदर दो दो पुनीत इनका तिलक कर रहे हैं। माल्यार्पण पुनीत माल्यार्पण डॉक्टर अंजनी जी का स्वागत। हमारे मध्य के अंदर विजय जी विराजमान है, धर्मपत्नी हमारे प्रधान श्री चक्रेश कुमार जी जैन पधारेंगी, श्री प्रेमचंद जी शाकाहार की पुत्री हैं और कविता जी भी आ गई हैं, दोनों मिलके डॉक्टर अंजनी जी का स्वागत करेंगे। आइए अंजनी जी। माला, अरे एक माला दो भैया उधर से। ये भी डॉक्टर है, इतना धर्म ध्यान निभाते हुए भी ये पूरा टाइम अपना डॉक्टर में देते हैं, इनके लिए एक बार जोर दो। और निशुल्क, निशुल्क है बिल्कुल। 10 दिन इन्होंने यहाँ नीचे अपना दवा खाना लगाया और उपचार किया जिनका। छत्तीसगढ़ के अंदर इतना बड़ा प्रदेश है भारतवर्ष का, देखिए आजकल आप बहुत नाम सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ का, कोई भी सरकार वहाँ पे है लेकिन अंजनी जी वहाँ पे महिलाओं को भी पूरा काम करती हैं, निःशुल्क औषधि बांटती हैं, निःशुल्क इलाज करती हैं और इनका इलाज इतना सक्सेसफुल है मैंने देखा है। जिन 10 दिन में जिन महिलाओं ने उनको दिखाया है, 5 दिन की दवाई दी थी, 5 दिन के बाद वो दोबारा दवाई लेने आ रही हैं,
उनको फिर दोबारा ज़रूरत हो तो अंजनी जी का पता उनके पास है, उन्हें बताएं, दवाई वहाँ से आपको आ जाएगी, निःशुल्क आएगी, आप चिंता मत कीजिए। आप अपना स्वास्थ्य सही रखें, यही हमारी प्रभु से कामना है। अब मैं 2 मिनट के लिए आपको एक बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद हमारे प्रधान जी बोलेंगे, चक्रेश जी, क्योंकि प्रधान के बाद में कोई नहीं बोलता, मुझे फिर मौका नहीं मिलेगा, पूरे 10 लाख से नहीं बोला हूँ। देखिए 10 लक्षण पर्युषण पर कितने शब्द हैं, 10। हमारे धर्म कितने हैं, 10। उस 10 के अंदर 3 धर्म ऐसे हैं जिनके अंदर 2 गिनती आती है, 5 धर्म ऐसे हैं जिनमें 3 की गिनती आती है। आज ने प्रवचन बंद किया, लोग खड़े होकर चल देते हैं, आज एक भी नहीं गया, सब बैठे हैं। ये साबित होता है कि उनके बोलने में कितनी बड़ी अट्रैक्शन। ये मौके हमें फिर नहीं मिलेंगे, 354वें दिन मेरे से आके पूछेंगे, भाई साहब इस बार कुछ तैयारी है क्या? भैया तैयारी तो तुम लोगों की है, तुम तैयार तो हम भी होशियार, और तुमने स्लैकनेस कर दी तो हम कहेंगे भैया क्या करें, आजकल लोगों की रुचि नहीं है। मैं कहता हूँ रुचि अगर 50 में से 5 की है तो 5 को बढ़ा लो। महावीर भगवान शेर की बजाय में नीचे थे और 2 मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने उन्हें ऐसा बढ़ा दिया कि महावीर बन गए वो। आप सबको जानते हो कुछ कमियां तो रह ही जाती हैं, ब्याह शादी भी होती है तो एक आध बंदा अपना जो खास होता है उसको कार्ड देना भूल जाते हैं, और वो बाद में कहता है भाई साहब हमें नहीं बुलाया, हम नाराज हो गया। मैं कहा इस बात से नाराज हूँ कि तू आया क्यों नहीं, काम की पूछने मेरे से, जब हमेशा तेरा काम करवाते हैं, काम करो जिससे जितना हो अपने शक्ति के अनुसार करना चाहिए। पूजा में भी लिखा है, अब 10 लक्षण धर्म में 4 जो उसकी स्थापना है मैं तो वो पढ़ता हूँ, और मेरे हिसाब से उसमें सारा धर्म पूरा हो जाता है। उत्तम क्षमा मारदा वार जब भाव हैं, हमारी आत्मा के भाव हैं। सत्य उपाय क्या है उसका मेंटेन करने का, सत्य शौच संयम तप और त्याग, वो मिटा लो। ये नहीं कि कोलू के बैल की तरह क्षमावणी शुरू हो गए, क्षमावणी पे ख़त्म कर दी, है नहीं उसकी चार लाइन। आकिंचन, जब इतनी प्योरिटी आ जाएगी आकिंचन का आर पार देखते हैं, या तो व्यवहारिक बात है, तो शास्त्रों की बात है, डॉक्टरेट वाले करें। जब आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ब्रह्म आत्मा में चर्या करना, जिस दिन हमको आ गया हमें किसी प्रवचन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा प्रवचन लोग सुन जाएंगे। महाराज हमें लाभ जो हो रहा है, उनके गुरुजी पे गए हमारे पंचायत के लोग, कई बार लोग मुझसे कहते हैं पंचायत करती क्या है, मैं कहा कोई पुतला बनवा देते हैं उसका श्रृंगार करवा देंगे, कोई और करा दो, बताओ सजेशन तो दो। नहीं नहीं भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ। भाई टाइम तुम पे नहीं है, दुखी हमें कर रहे हो, जो काम करे वो आए। एक बात गारंटी से बताता हूँ, जो मंदिरों के मैनेजर हैं वो इतना काम करते हैं, सुबह 6 बजे चाबी नहीं पहुँची, अबे क्या सो रहा था, 6 बजे क्यों नहीं आया, मैं 10 मिनट से खड़ा हूँ, करते शिकायत करते। अगर हम पैर बढ़ा के ना सुने और ये कहे भी मेरी भी तो ड्यूटी है, फिर कहेंगे आप चौधरा टो रही है, तो भाई तू कर ले, हम मना नहीं करते। कोई भी हमारी कमेटी में आके सेवा करना चाहता है तो मेरी गारंटी उससे करवा दूँ, पर करनी पड़ेगी सेवा तभी मिलेगी मेवा, नहीं तो ले कैसे मिल जाएगी। महाराज से मैंने निवेदन किया जी 15-20 मिनट आधा घंटा लग सकता है। एक घटना याद आ गई मुझे, सामने आचार्य विद्यानंद जी आए थे, बाहुबली महाराज के संग के भी आए थे, और वहाँ पे स्वर्ण कलश जब चढ़ने का प्रोग्राम होता, ये बोल नहीं रहा क्या, बोल रहा है, अच्छा मेरी तो बुलंदी, अरे कोई बात,
जब वहाँ पर महाराज का तो स्टाइल था, महाराज बोलते ओम नमः, ओम नमः का मतलब सिग्नल हो गया, अब और कोई बोलेगा नहीं। मैं ही बोला, मैं कहा जी हमारा क्या होगा, आपका तो ओम नमः हो गया, ये सब चले जाएंगे, उनको रोकने के लिए तो हमें मौका दो। नहीं आ रही यार, 200-500 दफा माइक हो। फिर अब आ गई, ये लाल मंदिर है, लाल किले के सामने है, प्रधानमंत्री को कहीं भी दुनिया में घूमाए लाल मंदिर के सामने नाक रगड़ने आना ही पड़ेगा। हमारे को ऐसा स्थान मिला, ऐसे ही पूर्वजों द्वारा ऐसी क्रियाएं मिली, 250 साल तक साधुओं के दर्शन नहीं होते थे, कई बार लेक्चर में सुनते हैं आचार्य शांति सागर जी, और चारों तरफ पर्दा लगा के विहार करते थे, तो आचार्य शांति सागर जी ने कह दिया ये तो गलत है, उन्होंने हटवा दिए पर्दे वर्दे, और पूर्णतः विहार करते करते दिल्ली भी आए थे, और लाल मंदिर में उनकी यादगार में एक छतरी बनी हुई है नीचे, जब आप क्लब के गेट से घुसते हैं तो वो उसमें सातों मुनियों के संघ की पूरा इतिहास लिखा है, और आपको अगर कोई लगता है सजेशन देने की ज़रूरत है तो आओ सजेशन दो, आओ तो सही, आते ही नहीं, मेरे को जल्दी जाना है, मुझे आना है, एक पूजा करो केवल देवशास गुरु की, बाकी मत करो, क्यों, देव तो हमने देखे नहीं, शास्त्र हम पढ़ते नहीं, तो इन गुरुओं से तो कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो, ये चलते फिरते तीर्थ हैं, इनसे ज्ञान प्राप्त करोगे तो उद्धार हो जाएगा, और दृष्टि न दोषों पे जावे लिखा है ना, दोषों पे दृष्टि डालना बंद करो। दो महिलाएं बराबर बराबर पूजा कर रही, एक ने कहा तू ये फल क्यों चढ़ा रही है, उसने कहा मैं तो चढ़ाती हूँ, मैं 20 बंती परंपरा, अरे आप 13 बंती हो या 20 बंती, आप फल पूजा सामग्री तीर्थंकर के आगे चढ़ा रहे, तीर्थंकर की सेवा कर रहे हो, तीर्थंकर से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, और ज्ञान अभी गुरु जी पे गए थे जिनेंद्र जी और पुनीत, अब सब ने जाके प्रार्थना की महाराज के गुरु से कि साहब 10 दिन हमारा तो रिजल्ट शून्य हो जाएगा, अभी कह रहे थे ना फेल हो जाते हैं, फिर लाल मंदिर वाले कभी फेल नहीं होते, पंचायत वाले कभी फेल नहीं होते, फेल होता है हमारा मन, हमारे मन को स्ट्रांग बनाओ, हमारा मन अगर, अभी 3 दिन पहले या शाम को कार्यक्रम करा था, वो 2 क्लब है ना तुम्हारे, एक तो आराधना क्लब है, सब साधवाद सबका है, हम तो ये चाहते हैं, सोचते हैं और चाहते भी हैं, लेकिन प्रयास करने के बावजूद उतना हो नहीं पाता है, कि सब मिलजुल के किसकी जय बोलनी है, जय बोलो महावीर की, किसके लिए काम करना है, गुरुओं के लिए काम करना है, किसके लिए काम करना है, मंदिर में विराजमान तीर्थंकरों के लिए काम करना है, और हमेशा पंचायत के लोग, गिरनार जी के जब सिस्टम चला था तब हमने गिरनार जी के उसकी जूनागढ़ के प्रिंस को पैसा भेजा था दिल्ली पंचायत, बहुत बहुत काम पंचायत ने किए हैं, और जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, तो हम जानते हैं, अब गुड़ी नहीं डाल रहे तुम लोग तो मीठे कहाँ से हो, आओ बैठो, शाम की साथ सभा होती थी, बजाय वो चालू होने के और बंद हो गई, अरे आओ तो, एक बैठा एक अकेला तरह लिखा है, मेरी भावना पढ़ो उसमें क्या लिखा है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जल नित्य नए मंगल,
नित्य नए मंगल गाओ, जीवन में अगर रिजल्ट फेल का क्या, फर्स्ट डिवीजन करना है तो मेरे को आके पकड़ लो, करो तो। और बातें मिलाने से कुछ होता नहीं, और मेरी तो आदत है मैं मौका मिले समाज में बोलने का तो ये सब छोड़ता नहीं, बोल दे। हम बाद में कहेगा अरे भाई साहब ने माइक पकड़ लिया, तो माइक पकड़ने की बात नहीं है, माइक को मटेरियल देने की बात, ठीक है। अब नियम उठाओ, उसकी तरह मत करो, बैल की तरह कोरू के चक्कर में, चक्कर चक्कर में सैकड़ों मील चल चुका वहीं खड़ा है, हम हर साल 10 दिन जाने वहीं खड़े, जिस दिन हमने एक कदम बढ़ा दिया कदम ही कदम मिल जाएंगे। गांधी जी की बात सुनो, गांधी जी ने अफ्रीका में कह दिया सामान मेरा बाहर कैसे फेंका, टिकट लिया मैंने, मैं इनका अंग्रेजों का सूरज डुबा दूंगा, और हमारे पास तो वो शक्ति है तीर्थंकरों के, तीर्थंकर की धुनी गणधर ने चुनी आंग रहते चुनी, सो जिनवर वाणी सिर्फ सुख को देने वाली। तो बहुत कुछ कहा मैंने, और कभी कोई बैठे तो मैं उसे समाज की परिस्थिति बता सकूं। शिखर जी में हम नाक क्यों रगड़े, हक है हमारा। गिरनार जी में हम नाक क्यों रगड़े, हक है हमारा। हम किसी के में छीन नहीं रहे, हम अपने हक को इस्टेब्लिश कर रहे और इस्टेब्लिश करते रहेंगे। और आप लोग सब आते रहो, वरना मेरे को भी लगेगा यार अब कोई चाहता नहीं। मेरे को चाहो या ना चाहो, तीर्थंकर के पीछे घूमो, साधु के पीछे घूमो, निश्चित तौर पे हम सबका भला होगा। एक जाप सामने वाले के लिए, एक जाप स्वयं के। धन्यवाद, जय जय। बहुत 15-17 धर्मपुरा दिल्ली 11-00 से एक। देखिए हमारा प्रोग्राम 15-20 मिनट का है, पहले महाराज जी आर के लिए उठेंगे, उसके बाद सबका वात्सल्य बोध इधर है, उसके बाद सभी उठे, पहले महाराज जी के बैठे हुए कोई ना उठे। पहले शहर की महिलाएं जानती हैं, जो बुजुर्ग हैं, महिलाओं का घर से निकलना बंद था, अब संगठन बनाए हैं तो उन संगठनों को आगे बढ़ाओ। अब स्वाद महिला मंडल के एक बार तालियां बजाएं, और इनसे निवेदन कि आगे भी ऐसे ही अग्रणी रहे धर्म कार्यों में। अच्छा प्रिया जी कुछ कर नहीं सकती थी, अगर आप लोगों का साथ ना हो, अगर ये उल्टा बोल दें तो बोल देना। देखिए महाराज श्री से क्षमा चाहूंगा कि उनके आहार में बहुत विलंब हो गया है, परंतु एक सूचना महाराज श्री ऐसी सूचना जरूर देनी है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि इस चांदनी चौक क्षेत्र से हमारे जो परिवार हैं साधर्मी जन हैं, धीरे धीरे इस क्षेत्र को छोड़कर अन्य अन्य कॉलोनियों में पलायन करते जा रहे हैं। हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आने लगी थी कि मंदिर में प्रक्षाल करने वालों की कमी होने लगी थी। एक दिन ऐसा भी आता था यदि एक परिवार में किसी दिन सूतक पातक आदि लग जाए तो हमारे मंदिरों में अभिषेक करने वालों की बहुत दिक्कत हो जाती थी। उन सभी चीजों को सोचते हुए कि आने वाले समय में इस चांदनी चौक क्षेत्र के जो 17 विशाल विशाल मंदिर चैताल्य हैं, इनका क्या होगा, तो वापस इस चांदनी चौक क्षेत्र को जीवंत बनाने के लिए हमारी पंचायत ने और हमारे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर कूचा सेठ के मैनेजर श्रीमान जेके जैन साहब, श्रीमान कैलाश चंद जी जैन, हमारे चक्रेश बाबू जी, हमारे पुनीत अंतल जी, श्रीमान सत्येंद्र जी जैन जी, हमारे पंचायत के मंत्री श्रीमान विजेंद्र ताऊ जी, श्रीमान हमारे अरविंद जी, श्रीमान शेखर जी, और हमारे कुलदीप साहब मैनेजर साहब मंदिर मेरू मंदिर के, इन सभी लोगों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था को सोचा कि कैसे हम अपने इस चांदनी चौक क्षेत्र को वापस जीवंत कर सके। और आज हम ये दिल्ली नहीं पूरे भारतवर्ष में इस चीज का डंका बजा सके कि वास्तव में आज भी चांदनी क्षेत्र में इतने विशाल विशाल मंदिर हैं और इतने जीवंत वहां पर अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं। तो उसी भावना को लेकर हमारे इस दिगंबर जैन नया मंदिर जी में 23 फुट गगनचुंबी मानस्तंभ का निर्माण प्रारंभ हो गया है, साथ ही साथ उसके साथ 24 तीर्थंकर भगवान का जो रत्नमय हरीम, पाषाण का हरीम जो हमारा बनने जा रहा है बड़ा मंदिर कूचा सेठ में, उसकी पंचकल्याणक की तिथि 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक ठीक लाल किले के सामने परेड ग्राउंड के जो हमारा पार्किंग है उसमें भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव
श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। और इस प्रकार से हमारे पंचकल्याण महोत्सव आचार्य श्री सुध सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज के सानिध्य में वहां पर पंचकल्याणक होने जा रहे हैं। उसी के शिलान्यास के लिए हमारे जो अभी आने वाले 25 सितंबर से 2 अक्टूबर, भाई साहब डेट नोट कर लेना, वास्तव में कई सालों बाद 50 वर्ष बाद हमारे यहां पर स्थानीय चौक क्षेत्र में पंचकल्याणक होने जा रहे हैं। और कई वर्षों बाद एक यहां पर 10 दिन का ऐतिहासिक मेला, 10 दिन का ऐतिहासिक मेला 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आचार्य श्री सुध सागर जी महाराज के सानिध्य में यहां पर 10 दिन तक निर्वाण रूप से विधान होने जा रहा है लाल मंदिर जी के प्रांगण में। और 2 अक्टूबर को जो हमारे इस मानसथम और ह्रीम की वेदी बन रही है इसका शिलान्यास महामहोत्सव, यहां पर बैनर यदि हो तो वो एक बार बैनर दिखा देंगे, शिलान्यास महामहोत्सव 2 अक्टूबर को यहां से हम लेकर चलेंगे, जिसकी रथ यात्रा शोभा यात्रा लाल मंदिर जी से प्रारंभ होकर नया मंदिर जी कुछ सेठ में जाएगी और वहां पर हम सभी लोग स्वर्ण शिला, रजत शिला और ताम्र शिला को वहां पर विराजमान करेंगे। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में यहां पर पधार कर धर्म लाभ लेंगे, ऐसी हमारी भावना है। जय आदिनाथ भगवान की। और अब हमारे यहां पर अमन भाई जो 10 लक्षण के समय कम है इसलिए कृपा नाम लेते जल्दी आए। चंचल जैन, अर्चना जैन, नीलम जैन, हर्ष जैन, जलेबी वाले, ये तुषार जी, तुषार भैया आपके चंचल लो गिफ्ट गिफ्ट दो ना, वो रहे गिफ्ट अमन देव ना अमन जैन जी कांगे माधुरी जैन भेंड अंजलि और प्रिया ये तीनों को आपको दे रहे हैं। सागर जैन आदित्य जैन तुषार जैन और अक्षत जैन। सागर जैन विकल्प जैन तुषार जैन और अक्षत जैन कृपया करके आगे आ जाएं। भाई अगर बैठेंगे तो व्यवस्था बन। सोनिया जैन देवी आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।